जॉर्जिया मेलोनी के बारे में एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत वोकल, बहुत ट्रांसपेरेंट और बहुत इंटेलिजेंट और बहुत खूबसूरत एक महिला है जॉर्जिया मेलोनी। इटली की प्राइम मिनिस्टर है, लास्ट ईयर ही बनी है और आज कोई पहली बार नहीं है कि वो उन्होंने खुल के बात कही है। 19 साल की उम्र से वो पॉलिटिक्स में है, एक्टिविटीज में है, एक्टिविस्ट के हिसाब से उन्होंने काम किया है और हमेशा उन्होंने डंके की चोट पर और खुल करके बात करनी चाहिए है और किया भी है, या वो अपने देश में रहे या कहीं भी किसी और देश में एज अ गेस्ट भी अगर वो जाती हैं पार्टिसिपेट करने के लिए किसी समिट को या कॉन्क्लेव को, तो वहां पर भी वो अपनी बात को बड़े अच्छे से, बड़े खूबसूरत अंदाज से पर बड़े ट्रांसपेरेंट तरीके से वो अपनी बात को रखती हैं। जॉर्जिया मेलोनी की मुलाकात ऐसे भगवान के भक्तों से हुई है, इसलिए आज उनके मुंह से जो प्रशंसा थी मोदी जी की वो निकल पड़ी और जो खुद अब पूरे वर्ल्ड में इतनी फेमस है, पूरे वर्ल्ड में उन्होंने खड़े होकर के G20 की समिट में सैटरडे वाले दिन कहा है कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी भारत के प्रधानमंत्री के सामने मेरा फेमस कुछ भी नहीं है। आज भारत के प्रधानमंत्री का को अगर खड़ा किया जाए तो वो द मोस्ट लवेबल और रेनाउंड लीडर और रेनाउंड प्राइम मिनिस्टर में सबसे ऊपर गूगल में आते हैं और सबसे आगे आते हैं इस पूरी दुनिया। मोदी हैज रीच, आई थिंक इज द मोस्ट लव्ड वन ऑफ ऑल अराउंड द वर्ल्ड, बट आई मीन दिस इज रियली प्रूवन दैट ही हैज बीन अ मेजर लीडर एंड कांग्रेचुलेशन। उन्होंने एक और बात का जिक्र की है जॉर्जिया जी ने कि 11 जुलाई के रिपोर्ट के हिसाब से 78% रेट अप्रूवल रेटिंग के बाद हमारे भारत के प्रधानमंत्री द मोस्ट पॉपुलर लीडर ऑफ वर्ल्ड बने। एक तो अभी रिसेंटली G20 के बाद, मतलब जो है हर गुजरते लम्हे के बाद कोई ना कोई न्यूज जो है वो मतलब आ रही है सामने। जॉर्जिया की तरफ से जो है वो स्टेटमेंट आई है नरेंद्र मोदी को लेके कि पूरे वर्ल्ड के अंदर अगर बात की जाए तो मोस्ट लविंग जो है पर्सनैलिटी, मोस्ट रिनाउंड पर्सनैलिटी जो है वो हमें देखने के लिए मिलती है, वो नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री जो हैं वो हैं। क्या कहना चाहेंगी कि पूरी दुनिया जो है 9 सालों में 15 इंटरनेशनल अवार्ड और बेतहाशा मतलब जो है मोहब्बत पूरी दुनिया से जो भारत के प्रधानमंत्री को मिल रही है, क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? देखिए, पहली बार इस पूरे देश को एक सनातनी शेर के डेवलपमेंट से इतनी मतलब उनको अट्रैक्शन मिली है जिसको वो अपनी मोहब्बत से जाहिर कर रहे हैं। अब वो आपके खुर्शीद साहब हो, सऊदी अरबिया के शहजादे, या जो बिडेन हो, या ऋषि सोनक जी हो, या जॉर्जिया जी। मैं जॉर्जिया मेलोनी के बारे में एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत वोकल, बहुत ट्रांसपेरेंट और बहुत इंटेलिजेंट और बहुत खूबसूरत एक महिला है जॉर्जिया मेलोनी। इटली की प्राइम मिनिस्टर है, लास्ट ईयर ही बनी है और आज कोई पहली बार नहीं है कि वो उन्होंने खुल के बात कही है। 19 साल की उम्र से वो पॉलिटिक्स में है, एक्टिविटीज में है, एक्टिविस्ट के हिसाब से उन्होंने काम किया है और हमेशा उन्होंने डंके की चोट पर और खुल करके बात करनी चाहिए है और किया भी है, या वो अपने देश में रहे या कहीं भी किसी और देश में एज अ गेस्ट भी अगर वो जाती हैं पार्टिसिपेट करने के लिए किसी समिट को या कॉन्क्लेव को, तो वहां पर भी वो अपनी बात को बड़े अच्छे से, बड़े खूबसूरत अंदाज से पर बड़े ट्रांसपेरेंट तरीके से वो अपनी बात को रखती हैं। और ऐसी महिलाओं को हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि उन तमाम देशों में बहुत सम्मान दिया जाता है जो देश महिलाओं का सम्मान करता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान, ठीक है। 6 महीना पहले भी उन्होंने यूरोपियन माइंडसेट रशिया के ऊपर यूक्रेन वॉर को लेकर के उन्होंने बड़ी जबरदस्त अपनी स्पीच दी थी और जो पूरी दुनिया में बहुत वायरल हुआ था क्योंकि बहुत ट्रांसपेरेंट बात उन्होंने कही थी
उनकी मुलाकात हुई है भाई हमारे सनातनी शेर से, जो किसी भी धर्म में किसी भी तरीके का कोई डिस्क्रिमिनेशन कभी करते ही नहीं है हमारे मोदी जी, जिनके दिमाग में कभी ये बात आती ही नहीं है, उनको बस ऐसा लगता है कि मेरा देश तरक्की कर रहा है तो मैं तरक्की कर रहा हूँ। आज अगर ऐसा प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अगर लोग मुझे मेरी प्रशंसा कर रहे हैं तो मैंने इतना काम इस देश के लिए करके दिया है कि मेरी पूरी जनता, मेरा पूरा परिवार, सबने मेरा सपोर्ट किया है, तब जाकर के आज 9 साल में इस जगह पर हिंदुस्तान पहुंचा है, भारत इस दिशा पर पहुंच चुका है कि आज पूरी दुनिया उसकी तारीफ करने के लिए मजबूर हो चुकी है। भगवत गीता में मैंने पढ़ा है रजा कि श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कर्म कर, हल्की चिंता ना कर। हमने इन बातों को अपनी उर्दू की किताबों में भी पढ़ा है, नेकी कर और दरिया में डाल। तो आप सोचो कि मैं उन तमाम मुसलमानों से पूछना चाहती हूँ जो हिंदुस्तान में हैं और पाकिस्तान में हैं, जो मेरे ऊपर बहुत गंदी गंदी टिप्पणियां करते हैं जिससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, चेहरे को छुपा करके मुझे गालियां देने से अगर 2-4 व्यूज मिल जाते हैं और घर में रोटी नमक पक जाता है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है मुझे, मैं फिर भी इंसानियत का काम कर रही हूँ। मैं कहना चाहती हूँ कि खूबसूरत बातें हैं, कभी भी मुसलमान उसको अपने ऊपर लेता क्यों नहीं है, उससे कुछ सीखता क्यों नहीं है। हमेशा नफरत का चूरन फैलाने वाले मुसलमान, मुझे लगता है कि यही वजह है कि कभी भी हमने नहीं सुना कि मुसलमान किसी देश में तरक्की कर रहा है, एक्सेप्ट आपका सऊदी अरबिया देख लो, दुबई देख लो, क्योंकि ये अपने आप को एक्सप्लोर करते हैं, ये बदले हुए समाज को ये एक्सेप्ट करते हैं, ये इसलिए ये तरक्की करते हैं। पर हिंदुस्तान के मुसलमान, पाकिस्तान के मुसलमान देख लीजिए, गोबर गणेश ही है, आगे बढ़ना ही नहीं चाहते हैं क्योंकि नफरत का चूरन फैलाते फैलाते ये खुद अब नफरत का चूरन बन चुके हैं। इनके जुबान से सिर्फ और सिर्फ नफरत निकलती है, अच्छी बातें नहीं निकल सकती है। आप सोचो, हमने सनातनी धर्म में हमेशा ज्ञानों में और ग्रंथों में पढ़ा है कि हनुमान जी ने सूरज निगल लिया, ऐसी छलांग मारी थी ऐसी छलांग लगाई थी कि पूरा समुंदर एक बार में पार कर लिया था। तो पहली बार जॉर्जिया मेलोनी की मुलाकात ऐसे भगवान के भक्तों से हुई है, इसलिए आज उनके मुंह से जो प्रशंसा थी मोदी जी की वो निकल पड़ी, और जो खुद अब पूरे वर्ल्ड में इतनी फेमस है, पूरे वर्ल्ड में उन्होंने खड़े होकर के G20 की समिट में सैटरडे वाले दिन कहा है कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी भारत के प्रधानमंत्री के सामने मेरा फेमस कुछ भी नहीं है। आज भारत के प्रधानमंत्री का को अगर खड़ा किया जाए तो वो द मोस्ट लवेबल और रेनाउंड लीडर और रेनाउंड प्राइम मिनिस्टर में सबसे ऊपर गूगल में आते हैं और सबसे आगे आते हैं इस पूरी दुनिया में। उन्होंने एक और बात का जिक्र की है जॉर्जिया जी ने कि 11 जुलाई के रिपोर्ट के हिसाब से 78% रेट अप्रूवल रेटिंग के बाद हमारे भारत के प्रधानमंत्री द मोस्ट पॉपुलर लीडर ऑफ वर्ल्ड बने। अब ये तो भाई कोई भारत के जर्नलिस्ट ने नहीं निकाला है, ये तो विदेशों के जर्नलिस्ट ने निकाला है, ये रिसर्च जो है ये तो विदेशों के जर्नलिस्ट ने किया है। तो ये है सनातनी शेर का करिश्मा, ये है ऑरा। देखिए, प्रथाओं को लेकर के चलने में अपनी संस्कृति को दिखाना ये हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य होता है रजा, ये हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य होता है। आप बैठे हैं पाकिस्तान में, आप सोचो कि 1971 में निकला हुआ बांग्लादेश आपसे ज्यादा तरक्की कर रहा है। सही बात, इससे तो आप डिनाई नहीं कर सकते। अरे मेरे मुंह पर मुझे बोलने से कि मैं बहुत खराब औरत हूँ, मैंने प्लास्टिक सर्जरी करा ली है, मैं सुंदर नहीं हूँ, ये सब बोलने से क्या फर्क पड़ता है। ये सब बोलने से सिर्फ कोई भी मुसलमान अगर बोल रहा है तो वो अपने मन को शांति दे रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं कर पाएगा। पर मैं जो बात कह रही हूँ वो तो मैं आंकड़ों के साथ कह रही हूँ। आपके स्टेट से निकला हुआ 1971 का बांग्लादेश आज आपसे ज्यादा सक्सेसफुल क्यों?
डीप डाउन जाना चाहिए, सोचना चाहिए, दिमाग लगाना चाहिए कि वो भी तो मुस्लिम कंट्री है, दुबई भी तो मुस्लिम कंट्री है, सऊदी अरबिया भी तो मुस्लिम कंट्री है, तो आखिर ये लोग तरक्की में क्यों जा रहे हैं, आप क्यों नहीं जा रहे हैं? क्योंकि आप एक इंसान और एक किताब के पीछे भाग रहे हैं। इसलिए अब मदरसे से तो इंजीनियर नहीं निकलता है ना, मदरसे से तो साइंटिस्ट नहीं निकलेगा ना, साइंस तो पढ़ाई नहीं जाती ना मदरसे में, मदरसे से तो कंप्यूटर इंजीनियर नहीं निकलेगा ना, क्योंकि आप तो कंप्यूटर नहीं पढ़ाने मांग रहे हैं ना, हमारे हिंदुस्तान में भी मदरसे में कंप्यूटर नहीं पढ़ाने देते हैं मौलवी मुल्ला। तो जब आप पढ़